दो अंकों की संख्या को 11 से गुणा करना सीखेंगे। और मान लो कोई भी हम दो अंकों की संख्या लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 12, तो 12 को अगर हम 11 से गुणा करेंगे तो क्या करना है हमको, एक को अपने स्थान पे लिखना है, दो को पीछे लिखना है, और इन दोनों संख्याओं के योग को बीच में लिख देना है। तो दो अंकों की संख्या का 11 से गुणा हो जाता है। और भी मान लो कोई संख्या आपने सामने आती है, मान लो 23 है, 23 गुणा 11 हमको करना है, तो फिर से वही मेथड अपनाएंगे, दो को अपने स्थान पर लिखना, तीन को अंत में लिखना, और इन दोनों संख्याओं का योग यानी कि 2 + 3, अगर हम थोड़ा सा समझने के लिए करें तो यहाँ हम 2 + 3 का सब करें, कितना हो गया, 2, 5, 3, 253 हो गया। तो यानी कि किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना, दो अंकों की संख्या को, इस तरह से हम उसका उत्तर निकाल सकते हैं। कोई मान लो ऐसी संख्या भी आती है जिसमें हासिल होती है, उदाहरण के लिए हमने कोई संख्या ली 17 × 11, चलो इसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा अपना, एक अपने स्थान पे लिया, 7 अपने स्थान पे लिया, 7 और 1 कितना हुआ, 8, ठीक है। तो इस तरह से अब मान लो कोई ऐसी संख्या लेते हैं हम लोग, जैसे कि हमने लिया 85 × 11, 85 × 11 करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 अपने स्थान पर है, 5 अंत में रहेगा, और इन दोनों का योग कितना होता है, 13 होता है। अब चूंकि हमें 3 अंकों में संख्या चाहिए तो 13 का क्या करेंगे हम लोग, 13 को 3 को रखेंगे और 1 को हासिल के रूप में ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5, 13 में से 3 लिया और 1 हासिल यहाँ पर आ गई, तो हम लोग 85 × 11 करते हैं तो 935 आता है। ऐसे कोई भी दो अंकों की संख्या अगर हम लें और उसको 11 से गुणा करना हो तो इतना आसानी से हम लोग उसको 11 से गुणा सीधा ही लिख सकते हैं। इसका थोड़ा सा हमें बार बार अभ्यास करना पड़ेगा।